उज्जैन के थाना नीलगंगा में एक दिन पूर्व सुभाष यादव नामक किसान को पुलिस बिजली बिल के चक्कर में थाने ले आई और बंद कर दिया। रात में जब साथी और पिता किसान को छुड़ाने आए तो थाने पर पुलिस वालों ने उन्हें कहकर लौटा दिया कि कल कोर्ट में पेशी की जाएगी, जिसके बाद ही जमानत मिलेगी। किसान के पिता और साथी राहुल दोनों दूसरे दिन दोबारा थाने आए, जहाँ से किसान सुभाष को कोर्ट ले जाया गया। पेशी के बाद कोर्ट से किसान सुभाष को जमानत मिल गई और किसान अपने साथी व पिता के साथ घर लौटने लगा। उसे याद आया कि उसका मोबाइल फोन थाने पर ही छूट गया है। सुभाष ने साथ आए मोबाइल वालों से मोबाइल का पूछा तो उसे कहा गया कि थाने से मोबाइल मिल जाएगा, थाने चले जाओ। तीनों थाने गए और वहां मोबाइल के लिए थाने पर बातचीत के दौरान उनसे हस्ताक्षर करवाए गए और मोबाइल दे दिया गया। लेकिन इस कहानी में मोड़ अचानक तब आया जब तीनों मोबाइल लेने थाने पहुंचे और किसान सुभाष के साथी राहुल ने वहीं देर रात से सुभाष के साथ लॉकअप में बंद युवक से बातचीत के दौरान उसे पानी की बोतल दे दी। पानी की बोतल देना युवक राहुल को इतना भारी पड़ गया कि मौत की घाट उतारना पड़ा। दरअसल पूरा मामला किसान सुभाष के साथ बंद एक युवक और सुभाष के साथी राहुल के बीच बातचीत का है। राहुल जब सुभाष के साथ मोबाइल लेने थाने गया तो सुभाष से रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाए। उसी दौरान राहुल लॉकअप में बंद एक आरोपी से बातचीत करने लगा तो आरोपी ने पानी की बोतल मांग ली। पुलिस के मना करने के बावजूद राहुल ने आरोपी को पानी की बोतल दे दी और इसी शंका में पुलिस ने लॉकअप खोल कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी कि राहुल ने पानी के अलावा और कुछ तो नहीं दे दिया। पुलिस पर आरोप है कि राहुल को लॉकअप में बंद कर दिया गया और उससे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए व डराया गया कि भैरवगढ़ जेल भेजेंगे, जिससे राहुल घबरा गया व पुलिस ने राहुल से अभद्र भाषा व मारपीट भी की। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद राहुल को छोड़ दिया। राहुल किसान सुभाष और उसके पिता इस पूरे घटनाक्रम के बाद घर जा ही रहे थे तो रास्ते में उनके बीच चर्चा हुई, जिसमें राहुल ने कहा कि मैं डर गया था जब जेल भेजने की बात की और मेरे साथ मारपीट हुई। राहुल ने बातचीत में पानी मांगा, जिसके तुरंत बाद राहुल को उल्टी हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाँ बताओ, कहीं हुआ आपका? मेरे को पुलिस ये बिजली बिल के चक्कर में उठा के लिए थी परसों रात को, तो वो रात में भी आया था मेरे को, दो तीन भाइयों ने मेरे को छुड़ाने के लिए। भाई किसान, मतलब किसान हूँ मैं, तो उसने बोला कि यार इसको क्या जुर्म, बेचारा कोई काम का क्या जुर्म है, तो आए थाने पे तो उन्होंने बोला कि इसको जमानत होगी, कल छोड़ेंगे हम इसको। तो ये थोड़ी देर रुके थाने पे और निकल गए। फिर सुबह भी आया वो, मेरा पापा आया, मेरा भाई आया, तीनों आए। तो फिर इन्होंने मेरे को वहाँ पे कोर्ट ले गए 2:30-3 बजे हमको। तो मैं कोर्ट ले जाने के बाद में फिर छः बज गई होगी जमानत में। जैसे ही जमानत हुई मैंने, मेरे क्या आप घर जा रहे हैं? तो दो कॉन्स्टेबल पुलिस वाले थे, मैंने भी सर मेरा फोन यार, देखिए बेटा तू थाने चला जा, वहाँ तेरा फोन मिल जाएगा। तो फिर हम थाने गए, थाने जाते ही वहाँ पे मैं, उसने राहुल ने बोला कि सर इसका फोन दे दो। तो क्या अच्छा ठीक है देता हूँ तुझका फोन। तो वो जो लॉकअप में थे वो एक रात में पहचान वाले हो गए समझ में थोड़ी देर के लिए। तो उसने बोला भैया पानी की बॉटल दे दो यार। तो मैं ही दे रहा था पानी की बॉटल, तो साहब ने बोला नहीं तेरा काम कर, तू पानी देने आया क्या, रिश्तेदारी करने आया यहाँ पे, चल इधर साइन कर तू। तो इतने में उसको राहुल ने दे दी पानी की बॉटल। तो पानी की बॉटल दी ने एक कस्टमर, दूसरा पुलिस वाला साजिश लेने में आया, ए मदर सर क्या दिया तूने ये, ऐसा एकदम मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं किसको बोल रहे यार ये राहुल को, क्योंकि क्या दिया तूने इतने में उसको, किस वक्त मैंने पानी की बॉटल दी, पानी की बॉटल। नहीं नहीं पूरी लॉकअप खोली ने पूरा चेकअप करा ना हमको, हाँ बाहर मेरे को बाहर भगा दिया वो शटर, आगे से शटर बंद करके, चलो भगवान यहाँ से दूसरे भी थे वो। फिर उसके कपड़े निकाले ने न्यू हाथ करके इसको मेरे सामने ही, मैं देख रही और मार रहे उसको। और फिर मैं घबराया वहाँ से, मैं यार बेचारा मेरे साथ में आया, अब मेरे कहने से कोई छोड़ेंगे नहीं एक। तो फिर मैंने हमारे परिचित को बंटी भैया को फ़ोन लगाया, बंटी भैया वो आए वहाँ पे, थोड़ी देर लगी टाइम उसको, फिर वो आया ने उनने फिर कुछ बातचीत करके फिर उनने छुड़वाया वहाँ पे। फिर क्या हुआ आगे का घटना? फिर छुड़वाया, फिर हम रास्ते में आगे गए, फिर उसने, हाँ पिताजी मैं और हम तीनों तो हम साथ में थे। फिर उसने रास्ते में बात करी, करे यार मारा तो लॉकअप में बंद कर दिया, तो उसको जैसे घबराहट छुट्टी की मारो जू जू घबरेगी यार वहाँ की जगह। हाँ न मारा मेरे को बहुत यार, कि तेरे को जरूर जेल करेंगे ना, ये करेंगे ना, जमाना की बात नहीं, लाल कागज पे लाल पेन से लिखवाया मेरे को यार, तो इतना बड़ा केस बना दिया राहुल भैया, क्या करें यार। दारू पीते थे? हाँ। तो फिर उनने पिताजी दारू पीते, फिर दारू ले ली जब वहाँ चिंतामन से ही, तो वहाँ पे जाते आगे एक बिस्लेरी की बॉटल भी ली और हम जा रहे थे कि हमें घर पे बैठ के पियेंगे अपने, कि हाँ ठीक है। तो उसको रास्ते में जाके थोड़ा गोंदिया फटा आता है कि जो घबरा रही आप, तो उसका जो घबरा जाता है थोड़ा गाड़ी रोक दो यार। तो जैसे गाड़ी रोकी हमने,
और उसने बिसलेरी बॉटल की खोला और ए खोखला बच्ची सारा को बोल पानी बच्ची का, को ने एकदम उल्टी हो गई उसको। तो वो उल्टी करने लगे, राहुल ही बैठ जाए जो घबरा गया था यार। तो मैं उस पर मोर और मसने लगा और उल्टी करते करते वो कहीं भी नहीं बोली जो फिर बाद में ने एकदम गिरी गई मुंह पर ऐसा लग रहा वैसा। है पुलिस की मार के डिफेक्शन के कारण उसकी मौत हुई है। हाँ सर, हाँ ऐसा लग रही है, क्या लग रहा है? हाँ ऐसा लग रही है। आज क्या नाम सर? सुभाष प्रजापत। हाँ सर, घटनाक्रम सामने आया तो आरोप, परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस घटनाक्रम ये है कि कल एक वारंटी इलेक्ट्रिक बिल का पुराना स्थायी वारंटी अभियान चला, उसके तहत उसको थाना लाया गया था नीलगंगा, और उसके कुछ साथी आए थे उसके साथ, और जिसमें उसका मोबाइल छूट गया था। मोबाइल लेने के लिए आए थे, तो मोबाइल लेने के बाद वो लोग साथी को लेकर अपने साथ चले गए तीनों लोग, और जाके उन लोगों ने फिर एक जो पता चला है जांच में अभी तक आया है कि उन लोगों ने एक देसी कलाली में दारू ली, और दारू पी, दारू पीने के बाद वो लोग गोंदिया फंटा के पास एक यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ जाके वो लोग बैठ गए, चर्चा की। इसके बाद उसके एक जो साथी जिसकी मृतक है, तो मृतक को सीने में दर्द हुआ और उल्टी हुई, तो उन लोगों ने उसको देखा, इसके बाद उसको अटैक से वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात ये जब थाना चिंतामण को सूचना मिली तो चिंतामण थाना ने उसको सीएस हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद परिजनों का आरोप है, आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ थाना नीलगंगा में मारपीट हुई या कुछ हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैं अभी रात में आया और उनके परिजनों को यहाँ ला के और उनके परिजनों को उसकी डेड बॉडी दिखाई रात को ही, और रात को उन लोगों ने उसकी पूरी डेड बॉडी बिना कपड़ों के देखी, वो भी संतुष्ट थे कि कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। उनके द्वारा बोला गया कि जो पीएम है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, डॉक्टर एनालिसिस कराया जाए, तो वो भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, अभी आपके सामने पीएम चल रहा है। बाकी उनके जो आरोप हैं तो उसकी जांच की जाएगी। बोला गया है कि आपको जिसके भी विरुद्ध जो भी शिकायत है आप लिखित में शिकायत करें या बताएं कि उस कोई यदि आप किसी जानते हैं पुलिसकर्मी को जिसने मारपीट की या उसमें कौन था, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। थाना नहीं लगाऊंगा, पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी, घटनाक्रम क्या है, कौन सही है कौन गलत, और जैसे जो आएगा तो उस हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ठीक।